ओरिया सीआरपीएफ 214 बटालियन के कमांडेंट ऋषि राजसाहे के निर्देशानुसार नागरिक सहायता कार्यक्रम आपके द्वार के तहत ओरिया सीआरपीएफ के बी कंपनी ने नक्सल ग्रस्त इलाके के बच्चों के लिए पठन पाठन खेलकूद सामग्री का वितरण किया। वहीं सीआरपीएफ 214 बटालियन के बी कंपनी के निरीक्षक जीडी रमेश चंद्रा संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल क्षेत्र इलाकों में आज भी बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करने में कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के समय में कहीं मजदूरी करते हैं तो कहीं गाय बकरियां चराते हैं, जिसके कारण बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, जिससे वो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं और माता पिता को आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बी कंपनी के निरीक्षक जीडी रमेश चंद्र ने सभी बच्चों को पठन पाठन खेलकूद की सामग्री देकर पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद करने की सलाह दी। कई गांव के बच्चे उनके अभिभावक शामिल थे। ओरिया, गुटगड़ी, विनगाडा, बहेरा, डाढ़, कोने, नरेशगढ़ सहित कई गांव के लोग बच्चे उपस्थित थे। मौके पर गरिमामय उपस्थिति थी। अभिनवानंद, रणधीर कुमार, साजिद मासूक, अब्दुल गफ्फार, रामनिवास, जगदीश कुमार, संजय कुमार, सुरेश कुमार, राहुल कुमार, संजय भदौरिया, स्कूल के बच्चे समेत कैंप जवान उपस्थित थे। लातेहार संवाददाता बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। कमांडेंट महोदय 214 बटालियन श्री ऋषि राज सहाय के निर्देशानुसार उरिया सीआरपीएफ कैंप में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नांकित सामान स्कूली बच्चों को वितरित किया गया, जो कि 100 स्कूल बैग, 57 वॉलीबॉल और 10 नेटों का विवरण किया, जो कि उरिया गांव, भैंसमारा, बिनगड़ा, नरेशगढ़, बेहराटांड इत्यादि गांवों के बच्चों को सामान वितरित किया, जिससे कि आपसी भाईचारा का समन्वय स्थापित हो सके। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।